प्रॉब्लम विद द कैट एस्पिरेंट इज आस्किंग हेल्प. हमारी बड़ी बड़ी दिक्कत है यार. मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बताया था, डिफरेंस बिटवीन अ नालायक बच्चा एंड होशियार बच्चा इज ओनली वन, इज ओनली वन, इज ओनली ओनली वन. क्या है? नालायक बच्चा सोचता है सर मुझे सब आता है, क्या बताएगा ये मुझे, क्या यूट्यूब पे आके 12:30 बजे क्या जन्माष्टमी तो आप क्या बताओगे मेरे को. होशियार बच्चा बोलता है सर आई नो द स्टफ बट कैन यू टेल मी मोर. दिल ऑलवेज आस्क हेल्प, दिल लिसन टू द एंटायर वीडियो एंड दिल गेट. अच्छा से सुमित सर ने 10 बातें की हैं, 2 बातें मेरे को वैल्यू लगी एंड दिल पिक अप दीज टू, आई नो दैम वेरी स्मार्ट पीपल, दिल पिक दिस अप एंड दिल वर्क ऑन दैट. देख रहे हो एनआईटी जयपुर, दिल पिक दिल डू दैट, आई नो दैट. बाकी लोग जगेश गोल वाला कैट 100% हेल्प, ही वाज स्टूडेंट एट कैट किंग, फुल टाइम स्टूडेंट एट कैट किंग, क्या जरूरत है उसको आईआईटी बॉम्बे के लौटने को यार. वर्बल का वीक था सर, आई नीड हेल्प इन वर्बल. पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, डोंट मेक मिस्टेक, कहीं से पूछ लो आपको जहां से भी हेल्प मिल जाए. कोई ऐसा करो जिससे लय जुड़ जाए, जो आपके साथ जुड़ सकते हो, उसके बाद बैठ के उससे क्वेश्चन पूछने शुरू करो, उसको बोलो कि मुझे तेरी हेल्प चाहिए एंड उसके साथ बेड़ा पार करो. नेक्स्ट वन, एनी भाई भाभी दोस्त जो कि ये कर चुका है, जो पढ़ चुका है उसके साथ पूछो, जो आपके साथ पढ़ चुका है कर चुका है उसके साथ पूछो, उसके साथ बैठो. बिना भाई भाभी वेरी क्लोज पर्सन, वेरी क्लोज, आस्क फॉर हेल्प टू स्टडी, स्टडी प्लान्स. बट ऐसा बंदा जो बोले खड़ा हो तो खड़ा हो, बैठ तो बैठ, ऐसा कोई मिल गया तो कल ले लिया, ठीक है. पॉइंट नंबर 9, शॉर्टकट्स, बिना शॉर्टकट के कैट क्लियर नहीं होने वाला. हम्बल रिक्वेस्ट, जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, सेल्फ प्रिपरेशन करिए, पर इस शॉर्टकट्स का कोई तो मुद्दा ढूंढ लीजिए. 40 मिनट में पूरा पड़ा हुआ बाहर निकाल लें. कैट की फैमिली जो ज्वाइन कर रहे हो डैशबोर्ड पे इनको मैंने दिखाया शॉर्टकट्स कहाँ पे, वो शॉर्टकट्स की वीडियो पक्का देख लेना जो भी ज्वाइन भी करने वाले होते हैं. वो शॉर्टकट्स हर तरह के होते हैं, क्वांट के अलग, डेटा इंटरप्रिटेशन. कैट इज ऑल अबाउट शॉर्टकट्स, 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 बट इंप्लीमेंटेशन वाले शॉर्टकट्स. इनको इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई तो बेड़ा गर्क पड़ेगा.